अब हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स इनके बारे में बात करेंगे। अभी तक जो हम लोग बात किए थे वो इस चैप्टर में कैसे कि हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को पता करेंगे, जिसमें हमने कई मेथड्स देखे ऑक्सीडेशन के, कॉपर की मदद से विक्टर मेयर टेस्ट और लूकास टेस्ट के बारे में देखा था। अब अगर हमें अल्कोहल्स को, यही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है तो हम किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई अगर ये प्राइमरी अल्कोहल, ये जो है एक प्राइमरी अल्कोहल है, एनप्रोपिल 1, 2, 3 एनप्रोपिल अल्कोहल, और इसको हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, इसको हमें आइसोप्रोपिल में कन्वर्ट करना है। तो ये 1, 2, 3 मतलब 1 से हमें 2 पर, मतलब 1 पे जो था वो 2 पर लेके जाना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो एसिड क्या करेगा, इसको इस फॉर्म में ले आएगा। ये एक ऐसी एंटिटी जो आसानी से निकलना चाहेगी, ये जब निकल जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो H है ये H प्लस के तौर पर निकलेगा और उस प्रोसेस में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अब हम इसे किसी एल्कल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। इसमें क्या खासियत चीज़ है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो है इस तौर पर है, मतलब ये और ये प्लस और माइनस। अब क्या होगा, H प्लस I माइनस, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस प्लस पर I आके जुड़ जाएगा और इस पर H प्लस आके जुड़ जाएगा, ये आ गया I, और इसको हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर हम OH ला सकते हैं। इसका अगर उल्टा करना हो, अब की बार हम इधर से इधर गए थे और हम इधर से इधर आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हमारे पास ये चीज़ है, फिर से वही एसिड का इस्तेमाल किए और कितने पे कर रहे हैं, 433 केल्विन के आसपास पर हम कर रहे हैं। आगे भी हम देखेंगे कि जब हम इतना टेम्परेचर यूज़ कर रहे होते हैं तो एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब अगर मेरे पास ईथर होगा उस केस में भी, तो ये क्या होगा, ये चीज़ हो गया, ये निकल गया, यहाँ पर वापस प्लस चार्ज आ गया, और जैसे कि हमने पीछे देखा था इस बार ये डबल बॉन्ड फिर से आ गया। और अब हम क्या करेंगे, B2S6 और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे। B2S6 क्या चीज़ है, BH3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये B जो है यहाँ पर जाके इसके साथ जुड़ेगा। और फिर हम जानते हैं कि जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसकी जगह पर OH आ जाता है। मैं मैकेनिज्म पर नहीं जा रहा हूँ अभी। और दूसरा क्या तरीका हो सकता था कि हम HBr परऑक्साइड का इस्तेमाल करें, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्योंकि अगर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बात करते तो क्या होता है, यहाँ पर ये आता और यहाँ पर प्लस होता तो Br यहाँ आता, और Br आता तो Br की जगह OH आता, उससे हमारा कोई पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। हम परऑक्साइड का यूज़ करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा और तब उस केस में Br जो है वो इस जगह आएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अगर हमें प्राइमरी से सेकेंडरी अल्कोहल करना है एंड वाइस वर्सा, तो ये वही चीज़ है जो इधर वाली है, दोनों सेम चीज़ें हैं। इस बार क्या है, भी इस बार भी प्राइमरी से हमें जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाना है। फ़र्क इतना है कि इस बार आपको सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाना है, मतलब कार्बन की संख्या ज़्यादा है। पीछे वाले केस में कार्बन की संख्या सेम थी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, अब की बार 1, 2 और फाइनली जो हमारे पास होना है 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन और ऐड होने हैं, 4 कार्बन और ऐड होने हैं, तो इसका मतलब कि हमें
सिंथेसिस करनी होगी, और सिंथेसिस का बेस्ट तरीका यही है कि हम ऐसे सेंटर्स को ढूंढें कार्बन के जहाँ पर कि कार्बन पर एक जगह प्लस हो दूसरा माइनस हो। तो ये चीज़ है। हम क्या कर रहे हैं, इस प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। ऑक्सीडाइज करा के क्या कर दिए, इसको एल्डिहाइड के फॉर्म में ले आए। ये CH3CH2OH था जो कि अब बन गया CH3CHO। हम यही चीज करेंगे रिएक्शन इसका प्राइमरी अल्कोहल का PBr से। उससे क्या फ़ायदा होगा, ये Br में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब Br में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने के फायदा क्या होगा, ये माइनस हो गया, और इसमें क्या चीज़ है, ये सी डबल बॉन्ड OH है, मतलब ये प्लस है। तो एक कार्बन मेरा प्लस हो गया, एक कार्बन मेरा प्लस हो गया, एक कार्बन माइनस हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और फिर मुझे कार्बन की संख्या अधिक बड़ी हुई दिखाई देगी। इसका उल्टा करते हैं, अब यार हमें कार्बन की संख्या कम करनी है, तो कार्बन की संख्या कम करनी है, हमने ये किया, क्या किया, डिहाइड्रेशन करा देंगे। डिहाइड्रेशन कराने का फ़ायदा क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सेक्जेट एलिमिनेशन। और अब उसके बाद हम ओजोनोलिसिस करा सकते हैं, विगरस ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। एक तरीके से ये उसी तरह है कि आप कोई एक बीच में लेके हथौड़ा जो है वो उस पर जो है कस के मारिए जिसमें ऑक्सीजन का घोल हो, तो ये जो है इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, और अब आपके पास कार्बन की संख्या कम, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, इसको आपने रिड्यूस किया, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एच माइनस जैसी चीज, और अब आपके पास ये आ गया। तो इसमें हमने कार्बन की संख्या को कम किया था। अगर हमें प्राइमरी से टर्शरी अल्कोहल में जाना है और उसमें भी कार्बन की संख्या सेम रहनी है, तो क्या हम देख रहे हैं कि वही चीज़ किया, स्टार्टिंग करीब करीब वही है, सेम है आ जाएगा यहाँ। अब ये जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, अभी भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो इसको दे देगा, और तब हमारे पास ये चीज़ आएगा। फिर से हम वही प्रोटोनेशन कराएंगे, प्रोटोनेशन करने का फायदा क्या है, ये यहाँ है ये प्लस है, तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हुआ तो माइनस पे एच चला गया, और यहाँ पर प्लस आ गया, और इस प्लस पर वाटर जो है वो जाके जुड़ जाएगा, और जो बाद में इस फॉर्म में OH के फॉर्म में चीज आ जाएगी। उल्टा कर रहे हैं, फिर वही चीज़ निकाला, प्लस बना जैसे यहाँ बन रहा था, उस प्लस की मदद के लिए ये वाले CH3 जो हैं इन सब के पास H H H है वो दिए, तो मेरे पास ये डबल बॉन्ड आ गया, और फिर जो हमने किया वो B2S6H2O2 के साथ रिएक्ट किया, क्या हो गया, यहाँ यहाँ पर BH3 के साथ शुरुआत होगी, ठीक है, और इसी में फिर ये BH3 की जगह OH आ जाएगा। तो B2S6THF और हाइड्रोजन परऑक्साइड वो भी बेसिक मीडियम में कन्वर्जन में करना है। अब की बार किसका, सेकेंडरी अल्कोहल को टर्शरी अल्कोहल में, और वाइस वर्सा। तो ये मेरा सेकेंडरी है और इसको मुझे बनाना है टर्शरी, मतलब इसको इधर ले जाना है और फिर इसका उल्टा भी करना है। तो क्या हो जाएगा प्रोसेस, हम सब अभी तक क्या देख रहे हैं कि ये निकल जाता है, जब निकल जाएगा उसको OH2+ के तौर पे यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और इसके प्लस होने के बाद डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, लेकिन वो इधर वाला बन रहा है, क्यों, क्योंकि सेट्जेफ एलिमिनेशन मोर सब्सटीट्यूटेड, और फिर इसे HI के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। HI के साथ ट्रीटमेंट करने पे क्या होगा, ये इधर, ठीक है, तो ये हो गया आपका H इधर आ गया, I इधर आ जाएगा, और तब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, I आ गया है, और इस I की जगह OH आ जाएगा। उल्टा करना है फिर से करीब करीब वही प्रोसेस, शुरुआती स्टेप जो है वो सेम है, OH को हम OH2+ के तौर पर सिस्टम से बाहर निकलवा रहे हैं, और फिर वहाँ प्लस आ रहा है, वहाँ प्लस के कारण फिर डबल बॉन्ड आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं जो कि प्रोटॉन के तौर पर निकल जाएंगे, और एक बार जब हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ जाए
तो हम फिर इस ट्रीटमेंट के साथ अपने हिसाब से हम जहाँ पर OH चाह रहे हैं, दूसरे शब्दों में एंटी मार्कोनिकोफ रूल वाले हम डबल बॉन्ड एंटी मार्कोनिकोफ रूल के तहत हम डबल बॉन्ड को अपने हिसाब से अल्कोहल वाले कंटेनिंग ग्रुप वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यही कारण है कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं हम देख रहे हैं, जैसे ये CH3CH2OH है, दिस इज अ मॉलिक्यूलर वेट CH3CH2OH। अब ये देखिए इसका भी मॉलिक्यूलर वेट करीब करीब पास है CH3Cl, और ये भी इधर भी की भी मॉलिक्यूलर वेट पास है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो इसका बहुत ज़्यादा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जा रहा है। इधर सबके पास हाइड्रोक्सिल है, जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा सिस्टम का, ये CH3 था CH2, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ता जा रहा है। इस केस में वंडर वॉल इंट्रैक्शन भी काम करेगा अलॉन्ग विद हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब की बार क्या है 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, ये 1-butanol है, ये 2-methyl-1-propanol और इस केस में OH यहाँ पर है। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें है, क्योंकि हम क्या इसमें बात करते हैं, सरफेस एरिया जो है वो इस केस में सबसे ज़्यादा है। तो वंडर वॉल इंटरेक्शन जो है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो सभी में होगा लेकिन वंडर वॉल इंटरेक्शन कारण सरफेस एरिया इसका सबसे ज़्यादा है, और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर के में, और क्या क्या और तरीके हो सकते हैं अल्कोहल से पानी निकलवाने के, या पानी निकलवा कर वाटर निकलवा कर एलिमिनेशन से हमारे कौन कौन से और रिएक्शंस जो हैं वो गाइड होते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम ROH में से वाटर को अगर हम एलिमिनेट करवा दें तो हमें क्या दिखेगा, ROR बनता हुआ दिखेगा, मतलब ईथर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और उसी के संदर्भ में जो रिएक्शन का नाम है वह विलियमसन सिंथेसिस, क्या हो रहा है, हम अल्कोहल ले रहे हैं और Na जो है वह बेस का काम करेगा। ROH के संदर्भ में एक चीज़ देखने की है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लुइस के संदर्भ में ये लुइस बेस है, मतलब ये बेस की तरह लुइस के परिप्रेक्ष्य में। और ये भी हो सकता है, और अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये H प्लस डोनेट कर रहा है। तो जब ये H प्लस डोनेट कर रहा है तो ये एसिड हो जा रहा है, जिसको हम लोग बात तो करते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट उन सब के संदर्भ में। और अगर वही हम लुइस के संदर्भ में बात करेंगे तो ये बेस है, तो ROH जो है वह दोनों है, एसिड भी है और बेस भी है। अब ये डिपेंड करेगा कि उसके सामने कौन खड़ा हुआ है, उसके सामने अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वह तब बन जाएगा, तब वो एक्ट करेगा बेस के तौर पर, और अगर उसके सामने स्ट्रॉन्ग बेस है तब वो बन जाएगा एसिड। तो सामने उसके जो खड़ा है उसके हिसाब से वो अपना रूप अपना नेचर चेंज करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो है एक बेस है, तो बेस है तो इसका मतलब ये एसिड हो जाएगा, और जब ये एसिड हुआ तो ये H प्लस को डोनेट करेगा, ये हो जाएगा, और तब क्या होगा, ये RO माइनस मतलब एल्कोक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा, ये आया और मतलब इसमें ये O माइनस है, और ये किसी RX के साथ अब ये बैक साइड अटैक SN2 मैकेनिज्म के तहत कर सकता है और हमें
ईथर फॉर्मेशन मिल सकती है SN2 मैकेनिज्म। इस मेथड को हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने के संदर्भ में कर सकते हैं, तो इसी को विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं, RONA+RX। तो ये हम RONA कैसे बनाते हैं, एल्कोहल को ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम के साथ, तो एल्कोक्साइड बन गया। अब यहाँ पर आते हैं, इस केस में क्या देख रहे हैं, ये O- है, ये CH3Br और ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी तरह एल्किल एरिल ईथर, इस केस में क्या है, फिनॉक्साइड O- ये हुआ, ये हीट किया तो हमें एनिसोल जो है वह मिल जाएगा OCH3। इस केस में जो बात की गई है वो ये कि मेरे पास अगर इस तरह की चीज़ है ONE, तो सल्फेट आयंस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, देयरफॉर इन विलियमसन सिंथेसिस एल्काइल हैलाइड्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल सल्फेट्स। तो हम पहले क्या कर रहे थे, RONA+RX ले रहे थे और उससे हम RO बना रहे थे। अब ये कह रहे हैं इसकी जगह आप रिप्लेस करके इसको आप लगाइए एल्काइल सल्फेट्स, और क्या होगा, तब OET- जो है वो क्या करेगा, इस पे जाएगा और ये हो जाएगा। तो हमें OETOME मिला, और ये जो था ये क्या चीज़ थी, ये इसको अगर हम और अच्छे से बनाएं, OS://OME, तो इसमें क्या हम एक चीज़ महसूस करेंगे कि ये जो है ये होना चाहेगा, दूसरे शब्दों में ये माइनस, ये प्लस, और ये तो माइनस है ही है, ये इसके साथ जाके OME बना लेगा। क्या इसकी लिमिटेशन है, प्रॉपर चॉइस ऑफ एल्किल हैलाइड्स एंड सोडियम एल्कोक्साइड टू बी यूज्ड इन सिंथेसिस आर नेसेसरी इन व्यू ऑफ फॉलोइंग कंसीडरेशन। ये विलियमसन सिंथेसिस अच्छा मेथड है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या एरियल हैलाइड्स आर नॉट जनरली यूज्ड इन विलियमसन सिंथेसिस, एरियल हैलाइड्स को हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये ले रहे हैं PHBr, तो PHBr का मतलब क्या हुआ, PTO- को अगर आके यहाँ रिएक्शन करना है तो उसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे निकलना होगा, दूसरे शब्दों में उस समय के लिए इसको PH+Br- होगा बनना पड़ेगा, और हम सभी जानते हैं PH+ जो है वो नहीं बनता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऐसी स्थिति करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, ये O-, तो ये बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा रिएक्शन। तो रिएक्शन इज कैरी आउट बिटवीन एल्कलाइड्स एंड सोडियम फिनॉक्साइड, नॉट बिटवीन एरियल हैलाइड्स एंड सोडियम एल्कोक्साइड्स। बेस्ट यील्ड्स ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स आर ऑब्टेंड व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर प्राइमरी एंड एल्कोक्साइड मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो क्योंकि इसमें SN2 मैकेनिज्म हो रहा होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है RONA+RX, तो अगर SN2 हो रहा है, और SN2 में हम क्या जानते हैं कि प्राइमरी RX जो है वो बहुत फेवरेबल सबस्ट्रेट है किसके लिए, SN2 मैकेनिज्म को दिखाने के लिए। तो इसी बात को ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं, आर ऑब्टेंड, बेस्ट यील्ड्स आर ऑब्टेंड व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर प्राइमरी, एल्काइल हैलाइड जो है वो हमारा जो RX हो वो प्राइमरी हो, और RONA के संदर्भ में एल्कोक्साइड जो है वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको यहाँ पर अटैक करना, तो तभी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता हुआ दिखेगा।
यहाँ ये चीज़ है, द अबव ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग। अगर हम इसका उल्टा करें, मतलब कि अगर हम इसको CH3 CH2 OET बना लें और इसको BR कर लें, तो तब क्या होगा? ये तब एक जो है बेस बन जाएगा। और बेस बनने से पहले ही क्या होगा कि ये मतलब फैसिलिटेट करेगा इसको कि ये जो है वो इस फॉर्म में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन जा रहा है, तो ये काफ़ी स्टेबल है। और फिर इसी में ही एच प्लस निकलने के कारण जो है वो एक एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। हम चाह ये रहे थे लेकिन मिलेगा हमें ये, तो इसलिए ये चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर हम उल्टा करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे शब्दों में आर एक्स को हम जितना ज़्यादा हो सके वो प्राइमरी की तरफ रखने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस सेकेंडरी एल्केल हैलाइड्स ऑल्सो प्रेफर टू अंडरगो एलिमिनेशन रादर देन द सब्स्टिट्यूशन। अब ये सेकेंडरी एल्केल हैलाइड है, ये निकल गया तो यहाँ पे प्लस आ गया, अब ये काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एच है, ये होगा, तो हमें ये चीज़ ज़्यादा मिलने लगेगी। और तो ये एक जो है क्लासिक एग्जांपल है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये OET जो है वो जाता है यहाँ और BR को निकाल देता, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है और ये एलिमिनेशन होता है। तो ये हमेशा एक कंपटीशन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बना रहता है, और वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा मिलेगी, क्या सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा या एलिमिनेशन वाला। यहाँ ये काफ़ी, क्योंकि सेकेंडरी कार्बो का टाइम बन रहा है तो ये काफ़ी स्टेबल स्थिति है, मतलब कार्बो का टाइम का लाइफ टाइम ज़्यादा होगा और इसीलिए वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा पसंद करेगा। ईथर्स में ऑटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, और कौन फैसिलिटेट करेगा? लाइट के कारण ये फैसिलिटेट होगा। ये तो ये जो है वह ईथर है और इन जगहों पर एच एच, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होना पसंद करेंगे। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, एच जो है वो रिप्लेस होने लगे ऑक्सीजन से। तो अगर हम O2 जो हमारे एनवायरनमेंट में है जिसके कारण हम सांस ले रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप देखिए तो जो बेसिक रिएक्शन है CH4+O2 CO2+H2O, ये क्या बताता है कि ये जो है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, ये एक रिड्यूस्ड मतलब एंटिटी है और ये इसको ऑक्सीडाइज कर रही है। तो सोचिए ह्यूमंस या लिविंग बीइंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, लिविंग बीइंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब एक तरीके से वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहते हैं और वो फिर फाइनली CO2+H2O+ एनर्जी जो है वो बना रहे होते हैं, और वही एनर्जी ATP और इन सब में जा रही होती है। तो हम सब ये जितने भी लिविंग एंटिटी है वो सब रिड्यूस्ड फॉर्म है नेचर के द्वारा, क्योंकि प्लांट क्या करता है, यही CO2+H2O जो फोटोसिंथेसिस की बदौलत हमें एक शुगर एंटिटी या रिड्यूस्ड फॉर्म देता है जिसको कि हम सब खाते हैं। ओके, तो तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन की बात हुई। फिर ऑक्सोनियम सॉल्ट, ऑक्सोनियम सॉल्ट का मतलब O पर प्लस, हम एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो प्रोटोनेटेड ईथर ऑक्सोनियम सॉल्ट बन गया। और जब ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बना तो क्या होगा, अगर हम इसे एक्स माइनस के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या चीज़ होगी, ये
और फिर हमें वही एक मुझे इसको दिखाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आर एक्स और प्लस आर डैश ओ एच। कहने का मतलब ईथर को अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें एल्कोहल और हमें आर एक्स मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि एच प्लस जो है वो एच एक्स के तौर पर ही आएगा। अगर एक्स कुछ और है तो वो मान लीजिए अगर एच टू एस ओ फोर है तो सल्फोनेटेड प्रोडक्ट के तौर पर आएगा। एस एन वन मैकेनिज्म अगर फॉलो हो रहा हो, जैसे इस केस में तो क्या हुआ, एस एन टू रह गया, ये और ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो हो रहा हो तो क्या होगा कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ये आर प्लस के तौर पर निकल जाए, ये माइनस हो, या फिर ये भी नहीं हो सकता, ये प्लस के तौर पर जाए, तो हमें आर डैश एक्स भी मिल सकता है और हमको आर एक्स भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आर प्लस है और एक्स माइनस जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि एस एन टू मैकेनिज्म में क्या है, ये सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब सिंक्रोनाइज्ड मतलब वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, उसी समय हो रहा है। ऑन द अदर हैंड जब हम एस एन वन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये इस फॉर्म में स्टेबल है और ये मतलब इसमें हम क्या देखते हैं कि एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, तो ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है। ऑन द अदर हैंड इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये सारे के सारी चीज़ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग सिंगल स्टेप में पूरा होता है ट्रांजिशन स्टेट में। आगे बात बढ़ रहे हैं साइट ऑफ क्लीवेज की। अगर हमारे पास ईथर है तो वो अगर हम उसे क्लीव कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, और उसमें भी क्योंकि उनमें इंटरेस्टिंग केस होगा जहाँ पर कि हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल तो कोई नहीं, जैसे कि ये है और ये कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो क्या होना चाहिए, हम x माइनस को ला रहे हैं, ठीक है, तो x माइनस क्या होगा, अगर एस एन टू मैकेनिज्म हो रहा होगा तो वो उस तरफ जाएगा जहाँ पर कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो वो ये करना चाहेगा और ये हो जाएगा। इनफैक्ट हम देख रहे हैं प्रोडक्ट वही हो रहा है, तो प्रोडक्ट इज ऑप्टेन फ्रॉम द स्मॉलर एल्किल ग्रुप, क्यों, क्योंकि वो एस एन टू मैकेनिज्म को फॉलो करना पसंद करता है। यहाँ पर भी देखिए हम कॉन्कचन एच आई को यूज़ कर रहे हैं और ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक तरफ स्टेरिकली हिंडर्ड है और एक तरफ काफ़ी फ्री है, तो क्या होगा, आई माइनस जो है वो इस सी एस थ्री के पास जाना चाहेगा और उस प्रोसेस में मुझे सी एस थ्री आई मिलेगा। इफ वन मिथेन एंड अदर स्टर्सरी, वही ऊपर वाली बात ही आ गई, ठीक है, कंट्रोल बाय द एबिलिटी, ये इफ वन is methyl and other stressory group, the reaction occurs by SN1 mechanism, the formation product is controlled by the stability of the carbocation resulting from cleavage of C। तो ये SN2 versus SN1 की बात जो है वह उन केसेस में जहाँ की टर्सरी एल्किल ग्रुप हो वह एग्जिस्ट करेगी, और टर्सरी एल्किल ग्रुप ऐसा हो सकता है कि वह रिएक्शन को गाइड करना चालू करे। जैसे कि अब जैसे इस केस में देखें, ये देखें सारी चीज़ें किस में हो रही हैं, एक्वस मीडियम में, हम एक्वस मानते हुए चल रहे हैं कि एस एन वन जो है वो एक्वस मीडियम जब पूरा होगा तब एस एन वन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। अगर ये हम एनहाइड्रस एच आई ले रहे हैं जबकि पोलैरिटी जो है सॉल्वेंट की बहुत कम है, तो उस केस में जो है वह एस एन टू इज क्लीवेज ऑफ टर्सरी विच इज कैरिड आउट इन एनहाइड्रस एच आई इन ईथर, द लो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट वुड फेवर एस एन टू मैकेनिज्म, तो पोलैरिटी जो है अगर सॉल्वेंट की काफ़ी कम है तो उस केस में एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। तो जब भी एक्वस एस एन वन होगा तो जब भी एक्वस होगा तो
सॉल्वेंट तो SN1, और जब भी अगर एक्वस मीडियम ना हो के लो पेलोरिटी वाला होगा तो SN2 मैकेनिज्म वहाँ फॉलो हो रहा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट SN2 मैकेनिज्म में आयनिक है, अगर पोलैरिटी ज़्यादा रहेगी तो वो उसको इनगल्फ कर लेगा और फिर उसकी आगे की रिएक्शन को करने में होने में दिक्कत पैदा करेगा। ऑन द अदर एंड SN1 की अगर हम बात करें तो उसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है जो कि काफ़ी स्टेबल होता है, और उसको स्टेबल बनाने में एक्वस मीडियम काफ़ी मददगार होता है। तो यहाँ हमने एरिया, तो अब जब हमने मीडियम लो पोलैरिटी कर दी तो तब उस केस में SN2 मैकेनिज्म होना स्टार्ट हो जाएगा और तब फिर वही चीज़ आ जाएगी कि आई माइनस जो है वो इस तरफ जाना चाहेगा इसको लेने। अदरवाइज़ अगर ये हम SN1 के संदर्भ में बात कर रहे थे तो क्या होता, इसी को अगर मैं ऐसे लिखूँ ये वो CH3, और अगर मैं SN1 के संदर्भ में बात करना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो गया H+, और तब ये इस तरह से होना चाहिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत स्टेबल है, और तब मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तब उस केस में मुझे लेस कार्बन कंटेनिंग हैलाइड नहीं मिल रहा होगा, लेस कार्बन कंटेनिंग हैलाइड नहीं मिलेगा इस केस में अगर कब SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा हो, और वो भी कब हो रहा होगा, एक्वस मीडियम हो रहा हो। क्योंकि हम ऊपर क्या बात किए हैं, ऊपर यही बात किए हैं कि जब भी अगर मिथिल है, दूसरा ये है, तो हमेशा जो है वह ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉलर एल्केल ग्रुप। लेकिन इस केस में मतलब CH3I मिलेगा, लेकिन इस केस में CH3OH मिल रहा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने की होगी, SN2 जब हो रहा होगा तो हमें स्मॉलर एल्केल ग्रुप मिलेगा, और SN1 अगर हो रहा होगा तो ये CH3OH के फॉर्म में एक्सिस्ट करता हुआ दिख रहा होगा। जरा सा एल्केल और एरिल, एल्केल एरिल एंड डायरिल ईथर की बात करें इस केस में तो क्या होगा, ये ओ CH3 और H, और ये हो जाएगा प्लस और आई माइनस, क्या ज़्यादा, क्या आई माइनस यहाँ पर जाके अटैक करके इसको निकलवा सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल होगा, और वैसे भी स्टेरिकली हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा रहेगा। ये बेसिकली एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एरोमेटिक कंपाउंड पे, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये अगर यहाँ जाए तो SN2 मैकेनिज्म से आगे की चीज़ हो सकती है, और इसलिए फिर मुझे ये और ये मिल जाएगा जो कि ये होता दिख रहा है, और ये जो है होता हुआ नहीं दिखेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बात करें क्या रिएक्शन हो रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ईथर्स को वाटर के प्रेजेंस में ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कब, अंडर प्रेशर और हीट, तो हमें टेम्परेचर भी चाहिए प्रेशर भी चाहिए। तो जैसे कॉन्क H2SO4 की हम बात कर रहे हैं, ईथर के साथ ट्रीटमेंट किया तो क्या हो जा रहा है कि ये यहाँ पर H+ आया, अभी ब्रेक करेगा तो एक पोर्शन जो है वह H2SO4 क्या चीज़ है, यही है, ठीक है। तो अगर ये एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है तो ये हो गया, ये हो गया, तो H+ जो है वो यहाँ पर चला आया, और ये O- जो है वो यहाँ आएगा और इसको ब्रेक कराएगा। तो एक पोर्शन तो मेरा अल्कोहल बन गया जो कि ये है, और दूसरा गया CH3CH2OSO3H इथेन हाइड्रोजन सल्फेट बनता हुआ दिख रहा है। सेकेंडरी एंड टर्सरी ईथर्स हाउवर फॉर्म एल्कीन्स, क्यों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये H+ हो जाएगा, ठीक है, और हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, इस फॉर्म में, क्यों, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बन जा रहा है ये, और जो कि बाद में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा एल्कीन में,
ये हो जाएगा और फिर हमको इसमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो सेकेंड ईयर टर्शियरी ईथर्स जो हैं वो एल्कीन्स बनाना पसंद करेंगे, जबकि अगर प्राइमरी वाले हैं तो उनसे हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलने की संभावना होगी। अब कुछ ज़रा सा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, क्योंकि वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गाइड होने वाले हैं। तो क्या अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहल और कॉन्केस्टोसोफोर के बीच, एल्कोहल और कॉन्केस्टोसोफोर के बीच, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एच इस ये एच है तो एच टू प्लस, तो ये चीज़ होगी। तो उससे मुझे अगर ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इथेल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्मेशन होगा, जैसा कि अभी ऊपर दिखाया गया। ये इथेल हाइड्रोजन सल्फेट मैंने अभी बात की, फिर से मैं इसको ऐसे ही कहूँगा कि अगर ये चीज़ ये है तो क्या होगा, ये यहाँ पर गया H प्लस आया और ये क्या हो गया HSO4 माइनस, ठीक है, और ये माइनस जो है ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन इस पे जाके अटैक करेगा और ये वाटर के तौर पर माइनस एच टू के तौर पर निकल जाएगा। तो ये एच टू इधर आ गया, इथेल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। कब एल्कोहल को हम ट्रीट कर रहे हैं एच टू एसओ फोर के साथ, एक तरीके से देखिए तो डिहाइड्रेशन होना है, क्योंकि एच टू एसओ फोर कॉम्प्रेस्ड एसओ फोर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये वाटर निकलवाएगा सिस्टम से और उस प्रोसेस में इथेल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको लेकर डिस्टिलेशन करा रहे हैं, रिड्यूस प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, तो तब क्या होगा, इसमें से दो मॉलिक्यूल जो मिलके H2SO4 बना देंगे और साथ में डाइथल सल्फेट भी हमको मिलना चालू हो जाएगा। अब इसको इथेल हाइड्रोजन सल्फेट को हम एक्सेस इथाइल एल्कोहल के साथ ट्रीट करें, तो हमारे पास क्या, हम देख रहे हैं एल्कोहल लिया, एसिड के साथ ट्रीट किया तो हमें क्या मिला, इथेल हाइड्रोजन सल्फेट। और इसको अगर हम एक्सेस एल्कोहल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ईथर मिलने जा रहा है। मतलब एल्कोहल था, एल्कोहल को एच टू एसओ फोर के साथ किया तो इथेल हाइड्रोजन सल्फेट मिला। उसको फिर हम मतलब एक्सेस एल्कोहल से मतलब एक्स्ट्रा कार्बन, कार्बन की संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा, ये ईथर फॉर्मेशन अपना होना चालू हो जाएगा। तो क्या हम देख रहे हैं कि एल्कोहल को हम H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये टेम्परेचर है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में हमको इथेल हाइड्रोजन सल्फेट मिलना है। इसको अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएं 413 केल्विन पर हम ले जाएं, जो कि हो जाएगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो तब लेकिन कंडीशन क्या है, एक्सेस ऑफ इथेल एल्कोहल, तब हमें डाइथेल ईथर मिलना चालू हो जाएगा। और जब टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाया जाए, और अब की बार जो है वो एक्सेस H2SO4 है, तब उस केस में हमको एल्कीन फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। बेसिकली होगा क्या कि ये अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो एल्कीन फॉर्मेशन कराएगा और ये चीज़ कॉन्केस्टोसोफोर के तौर पर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एल्कोहल है, कॉन्केस्टोसोफोर है, और अगर हम इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इथेल हाइड्रोजन सल्फेट मिलना चालू हो जाएगा, CH3CH2OSO3H मिलना चालू हो जाएगा,
इसको अगर हम एक्सेस C2H5OH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे और टेम्परेचर अब इसको और बढ़ा के 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तो तब हमको मिलना चालू हो जाएगा ईथर, क्योंकि ये चीज़ है, ठीक है। इसी को अगर ये एथर हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको अगर हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, क्योंकि हम ये है, तो तब हमको मिलना चालू हो जाएगा इथाइलीन, ये CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जब किए इसको रिएक्शन इसके साथ, तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, इसको हम एक्सेस एल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट कर दिए तो ईथर मिला, और जो ये हमारे पास एथिल हाइड्रोजन सल्फेट था इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो एल्कीन मिलना चाहूँगा। तो इसी से हमें ईथर भी मिल रहा है, लेकिन ईथर के लिए हमें एक्सेस C2H5OH चाहिए, और इसी से हमें एल्कीन भी मिल रहा है, लेकिन उस केस में हमें एक्सेस H2SO4 चाहिए। इसके बाद आगे चीज़ें जो आती हैं, इपॉक्साइड्स, एसिड बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।